हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यु आई एस एंड इन द क्लास ऑफ सुपर फाइव फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टूडे आई विल डिस्कस एवरेज ओके वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नंबर सिस्टम सबको पता है नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट है आई एम गाइडिंग यू एट ईच स्टेप कैसे आपने प्रिपेयर करना है वन बाय वन आई होप सभी ने नंबर सिस्टम प्रिपेयर कर लिया है नंबर सिस्टम सभी ने प्रिपेयर कर लिया है आफ्टर नंबर सिस्टम today we वी विल डिस्कस एवरेज एवरेज है बिकॉज हर बार एग्जाम में एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है हर बार क्वेश्चन आता है एवरेज का एंड एवरेज इज easy टॉपिक एवरेज इजी है आप easily कर सकते हो Thing is कि हाँ आपके छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए ओके एंड द second थिंग की हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए तो अब आज एवरेज डिस्कस करेंगे अभी आज की इस क्लास के अंदर फाइव क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ सो दैट आपने साथ में भी वो क्वेश्चन को करो एंड यू एनालाइज योअर सेल्फ कि हाँ एवरेज मुझे कितना आता है अगर आपको सारे पांचों क्वेश्चन आप कर पा रहे हो इन दैट केस वेल एंड गुड जस्ट प्रैक्टिस ऑन एवरेज ओके एंड इफ यू कांट सॉल्व ऑल फाइव क्वेश्चंस इन दैट केस कंसेप्ट भी आपको क्लियर करने की जरूरत है ओके okay? तो अभी स्टार्ट कर रहे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में क्या है क्वेश्चन द एवरेज मार्क्स ऑफ थर्टी स्टूडेंट्स आर फोर्टी फाइव ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा रोम वाली देखो क्या द एवरेज मार्क्स ऑफ थर्टी स्टूडेंट आर फोर्टी फाइव कितनी है फोर्टी फाइव है बट आफ्टर चेकिंग देयर वाज टू मिस्टेक्स देयर वाज देयर वर टू मिस्टेक्स बट आफ्टर एडजस्टमेंट फिर क्या किया गया अगर मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करेंगे क्या कह रहे हैं आफ्टर एडजस्टमेंट इफ ए स्टूडेंट गोट 45 मोर मार्क्स एक स्टूडेंट के 45 मोर आए हैं एंड द अदर स्टूडेंट गोट 15 लेस मार्क्स अब देखो दो स्टूडेंट्स के मार्क्स के अंदर कैलकुलेशन uh, के अंदर कुछ रोंग था तो कह रहा है उसको जब करेक्ट किया गया है तो इन दैट केस वट है एक का आया फोर्टी फाइव मोर मोर दैट मीन्स प्लस फोर्टी फाइव उसके अंदर हो गया ठीक है और जो दूसरा है दूसरे के अंदर क्या करेक्शन हुई है कि he got 15 less. Less that means कि फिर हम उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे okay? that means कि अगर हम ओवरऑल करेक्शन देखते हैं ओवरऑल करेक्शन कितनी हुई है थर्टी प्लस की अब जो थर्टी प्लस है ये ओवरऑल करेक्शन किस पे हुई है मार्क्स पे एंड वट इज द क्वेश्चन देन वट विल बी द एडजस्टेड एवरेज एवरेज क्या होगी जो आफ्टर करेक्शन जो एक्चुअल एवरेज है वो क्या आएगी ये आपसे पूछा गया तो अब जो एवरेज है एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना तो अब यहाँ पे देखिए जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं थर्टी मार्क्स के अंदर कितना चेंज है प्लस थर्टी का अगर हम एवरेज में देखें तो एवरेज में कितना फर्क पड़ेगा अगर हम एवरेज की बात करें तो प्लस थर्टी डिवाइडेड बाई थर्टी दैट मीनस कि प्लस वन प्लस में साथ में क्यों लेके चल रहे हो सो दैट कि हमें पता हो कि जो मुझे एवरेज के अंदर से क्या करना है प्लस करना है या माइनस करना है तो यहाँ पे हमारे पास में कितना फर्क आ रहा है प्लस वन का सो द एक्चुअल एडजस्टेड एवरेज विल बी वट previous was 45 and this was plus 1 so this is 46 so your answer will be 46 जिन जिन का भी 46 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है and this is very important type आई होप सभी को क्लियर है सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन सभी ने चेक करना रहे कितने क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे हैं अपना कॉपी पेन लेके बैठिए साथ में और उसके बाद में आप करिए यस yes, नेक्स्ट है देखिए क्या है कह रहा इन ए हॉस्टल देयर वर हंड्रेड स्टूडेंट हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हंड्रेड स्टूडेंट्स टू अकोमोडेट ट्वेंटी मोर स्टूडेंट्स द एवरेज इज डिक्रीज बाई रुपीज फाइव रहे कि जो एवरेज है वो क्या होगी फाइव रुपीज डिक्रीज हो गई है एवरेज डिक्रीज हो गई है बट द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई फोर हंड्रेड बट जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो फोर हंड्रेड क्या हो गया इंक्रीज हो गया ओके नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द हॉस्टल ना अभी हॉस्टल का एक्सपेंडिचर कितना है अब देखिए यहाँ पर अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं जितने भी हमारे पास में टोटल है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके तो अब यहाँ पर अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें ठीक है तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे फाइंड आउट करोगे एवरेज इन टू नंबर ऑफ स्टूडेंट सिम्पल तो लेटर से कि भी जो हमारे पास में जो एवरेज है प्रीवियस एवरेज है दैट इज एक्स ओके दैट मीन कि जो प्रीवियस एक्सपेंडिचर है दैट इज स्टूडेंट है तो कितना हो गया हंड्रेड एक्स ओके अब उसने क्या कहा कि भाई जो न्यू एवरेज है वो फाइव रुपीज कम हो गए दैट मीनस एक्स माइनस फाइव ठीक है और जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया फोर हंड्रेड रुपीज इंक्रीज हो गया इंक्रीज हो गया प्रीवियस एक्सपेंडिचर कितना था हंड्रेड एक्स और अभी कितना हो गया फोर हंड्रेड ओके अभी हमने एक्सपेंडिचर कैसे फाइंड आउट किया था एवरेज इन टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ट्वेंटी दैट मीन्स व एक्स माइनस फाइव के साथ में मैं वन ट्वेंटी को अगर माइनस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू वट हंड्रेड एक्स प्लस फोर हंड्रेड ओके सॉल्व करोगे दिस विल बी वन ट्वेंटी एक्स माइनस सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू फोर हंड्रेड दैट मीन्स फोर हंड्रेड और ये जो हंड्रेड है बेटा ये इधर आ जाएगा तो ये टोटल क्या रह गया आपके पास सिर्फ ट्वेंटी एक्स रह जाएगा देखो वन ट्वेंटी एक्स में से हंड्रेड एक्स को माइनस करोगे ट्वेंटी एक्स दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास में ये इधर चला जाएगा दैट मीन्स की वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी क्लियर अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि न्यू एक्सपेंडिचर कितना, तो कितना आ गया आपके पास में हंड्रेड इंटू फिफ्टी प्लस फोर हंड्रेड कितना आ गया आपके पास तो आंसर विल बी फिफ्टी फोर हंड्रेड अभी आपको समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में कराया है अदरवाइज अगर हमारी प्रैक्टिस है इन दैट केस देर इज नो नीड टू राइट डाउन ऑल दिस डायरेक्टली आप कहाँ पे आ जाओगे इस स्टेटमेंट पे आ जाओ ओके सो प्रैक्टिस भी मस्ट है आपकी और साथ साथ में जो कंसेप्ट है कंसेप्ट क्लियरेशन तो है ही सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करने उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है दोनों चीजें नेक्स्ट है यस नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है क्वेश्चन ए मैन परचेज थ्री ब्लैंकेट्स एट द रेट ऑफ हंड्रेड रुपीज इच फाइव ब्लैंकेट्स एट द रेट ऑफ वन फिफ्टी रुपीज इच एंड टू ब्लैकेट्स एट ए सर्टेन रेट विच इज़ नाउ स्लिप ऑफ फ्रॉम हीज मेमरी अब दो और थे ठीक है वो उसको याद नहीं है कि कितने में उसने परचेज करे हैं नाउ द नेक्स्ट थिंग वट इज गिवन बट ही रिमेंबर दैट द एवरेज प्राइज ऑफ द ब्लैंकेट वॉज वन फिफ्टी रुपीज अब देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और UPSC के अंदर स्पेशली क्या होता है इजी क्वेश्चन आते हैं बट थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कह रहा कितना था अनोन रेट ऑफ टू ब्लैंकेट्स जो टू ब्लैंकेट्स है उनका अन रेट कितना है हाँ जी करेंगे सभी देखो यहाँ पहले तो ये देखो कि टोटल ब्लैंकेट्स मुझे पता चल रहा है कैसे थ्री ब्लैंकेट्स आर दिस ओके फाइव आर दिस दैट मीन्स की एट और ये क्या कह रहा है कि दो का अननोन है दैट टोटल नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स आर टेन टोटल कितने ब्लैंकेट्स हैं टेन ब्लैंकेट्स है ना तो टोटल प्राइस कितना बनेगा टेन ब्लैंकेट्स और ओवरऑल एवरेज कितनी की वन है आपके पास वन फिफ्ट दैट मीन्स की टोटल पंद्रह सौ रुपए लगे उसके टोटल कितना लगा दिस इज फिफ्टीन हंड्रेड ओके नाउ द थिंग इज कि जो अदर एट ब्लैंकेट्स है उनका प्राइस क्या है तो उसने क्या कहा थ्री ब्लैंकेट्स एट द रेट ऑफ हंड्रेड ईच तो थ्री ब्लैंकेट्स का प्राइस कितना है थ्री इंटू हंड्रेड दैट मीन्स दिस इज थ्री हंड्रेड ओके फाइव ब्लैंकेट्स वन फिफ्टी रुपीज दैट मीन्स की जो फाइव ब्लैंकेट्स हैं दैट इज फाइव इंटू 150, दैट मीन 750 तो जो टोटल एट हो गए एट ब्लैंकेट्स का प्राइस क्या हो गया ऐड करेंगे जीरो फाइव वन जीरो टोटल कितने ब्लैंकेट्स हैं टेन टोटल प्राइस कितने का है टेन ब्लैंकेट्स का कितना इतना एट ब्लैंकेट्स का प्राइस कितना वन जीरो फाइव जीरो तो जो रिमेनिंग टू हैं उनका प्राइस कितना होगा फिफ्टीन हंड्रेड माइनस दैट मीन्स फोर फिफ्टी यस आंसर क्या आएगा आपके पास नन ऑफ डीज नन ऑफ डीज विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर कोई डाउट इजी क्वेश्चन था आई होप सभी का करेक्ट होगा सभी का करेक्ट होगा अगर करेक्ट नहीं है जस्ट एनालाइज कि हाँ मेरी कितनी प्रिपरेशन की मुझे जरूरत है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ठीक है स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करवा रही हूँ मैं आप लोगों की कैसे प्रिपेयर करना नंबर सिस्टम प्रिपेयर हो गया सभी का नाउ वी विल प्रिपेयर एवरेज ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है लाइब्रेरी विज़िटर आ रहे हैंज फाइव टेन विज़िटर बता रहा है यहाँ पे आगे देखो क्या टू फोर्टी ऑन अदर डेज जो अदर डेज हैं उस पर कितने आ रहे हैं टू फोर्टी ऑन एवरेज दंबर ऑफ विजिटर पर डे इन दंथ ऑफ थर्टी डेज बिगिनिंग विद संडे एक मंथ है जो कि कहाँ से शुरू हो रहा है संडे से अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैलेंडर का भी कंसेप्ट आ गया वी शुड नो कि हमारे मंथ के अंदर जो भी गिवन मंथ है उसके अंदर नंबर ऑफ संडेज कितने हैं अब उसने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है मंथ इज बिगनिंग विथ संडे इफ मंथ इज बिगनिंग विथ संडे इन दैट केस कितने संडेज बनेंगे देर विल बी फाइव संडे फाइव संडेज इन मंथ ओके तो फाइव संडे है तो फाइव संडे को विजिटर कितने आ गए टोटल yes, विजिटर्स अब उसने क्या कहा कि ऑन एवरेज कितना आ रहा है फाइव हंड्रेड एंड टेन कितने डेज संडे फाइव संडे कितना हो गया कितने विजिटर्स हो गए क्लियर अब बाकी देखो कितने बच गए ट्वेंटी फाइव रिमेनिंग डेज टोटल डेज कितने हैं? थर्टी आउट ऑफ दिसे फाइव संडे वी हैं और ट्वेंटी फाइव डेज के अंदर टोटल विजिटर्स कितने आ रहे क्या टू फोर्टी ऑन अदर डे अब ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करना क्या कर सकते हैं सीधा फोर से डिवाइड करो इसको अगर मैं फोर से डिवाइड करूंगी कितना आएगा सिक्सटी ठीक है हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो दिस विल बी सिक्स थाउजेंड तो टोटल तो कितना आ गया आपके पास में दोनों को ऐड करोगे एट फाइव फाइव जीरो क्या फाइंड आउट करना है आपको एवरेज नंबर्स ऑफ मिस्टर एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स आपके पास है नाउ यू विल डिवाइड इट बाय टोटल नंबर ऑफ डेज एंड टोटल नंबर ऑफ डेज आर 30 सो एवरेज विल बी व्हाट डिवाइडेड बाय 30 ओके okay, ये कितना हो गया 285 सर आंसर विल बी बट ऑप्शन डी 285 विल बी द करेक्ट आंसर तो जिन-जिन का भी 285 है बिल्कुल करेक्ट है 285 इज द करेक्ट आंसर ओके okay? किसी को कोई भी माइनर सा डाउट कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को तो अस मूव टू द नेक्स्ट वन यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे है द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ फिफ्टीन बॉयज एंड टेन गर्ल्स इज थर्टी एट पॉइंट फोर के जी दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स आर ट्वेंटी बॉयज एंड टेन गर्ल्स दैट टोटल ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स का एवरेज गिवन है आपके पास में थर्टी एट पॉइंट फोर ओके एंड इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज फोर्टी के जी एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स यस। अब देखिए टोटल आपके पास गिवन है टोटल पूरी क्लास का आप एवरेज यहाँ पे फाइंड आउट जो है एवरेज गिवन है दैट मीन्स यू कैन फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ द होल क्लास दैट मीन्स फिफ्टीन बॉयज प्लस टेन गर्ल्स और टोटल वेट अगर हम देखें तो टोटल वेट कितना होगा अभी मैंने आपको बताया था टोटल कैसे फाइंड आउट करते हैं एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके अगेन 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे सीधा फोर से डिवाइड करके डबल जीरो साथ में पुट कर दो तो अगर हम फोर से डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया आपका हाँ जी इतना आ गया ओके okay? अब यहाँ पे पॉइंट है तो बेटा यहाँ पे पॉइंट भी लगाना पड़ेगा दैट मीन्स की वैल्यू विल बी नाइन सिक्सटी नाइन सिक्सटी आ गया ये पॉइंट क्लियर है ना ये क्या है थर्टी एट पॉइंट फोर है ठीक है मैंने अभी क्या बताया जब ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करना है तो क्या कर सकते हो आप सीधा उसको फोर से डिवाइड करो फोर से डिवाइड करना ईजी है ठीक है जब हमने इसको फोर से डिवाइड किया द वैल्यू विल बी नाइन्टी सिक्स और जब हम क्या करते हैं फोर से डिवाइड करो टू जीरो प्लेस करो दो जीरो प्लेस करी दिस विल बी नाइन्टी सिक्स हंड्रेड ओके बट देर वॉज पॉइंट सो आल्सो प्लेस ए पॉइंट सो द वैल्यू इज नाइन सिक्सटी एक और पॉइंट गिवन है क्या पॉइंट गिवन है द वेट ऑफ बॉयज इज फोर्टी के जी तो अगर हम फिफ्टीन बॉयज का वेट देखें कितना आएगा आपके पास में दिस इज फोर्टी के जी टोटल बॉयज कितने हैं आपके पास फिफ्टीन दैट मीन सिक्स हंड्रेड के जी देस की जो टेन गर्ल्स हैं टेन गर्ल्स का वेट कितना आ गया आपके पास दोनों को माइनस कर दोगे यस yes. इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे माइनस करेंगे दिस विल बी 360 सिक्सटी तो टोटल वेट ऑफ गर्ल्स इज 360 सिक्सटी एंड टोटल गर्ल्स आर 10 दैट की एवरेज वेट कितना आ गया आपके पास एवरेज वेट इज 360 सिक्सटी डिवाइडेड बाई गर्ल्स कितने 10 गर्ल्स तो so, 10 से आप डिवाइड करोगे दिस विल बी 36 सिक्स के ओके सर आंसर विल बी क्लियर देखिए अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं एक तो सभी ने जो सुपर फाइव है सुपर फाइव की सभी क्लासेस अटेंड करनी है इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर बता रही हूं कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है जैसे अभी हमने नंबर सिस्टम प्रिपेयर कर लिया नंबर सिस्टम के बाद एवरेज आपको प्रिपेयर करना है ओके तो एटलीस्ट मुझे पता चले कि कितने आपकी प्रिपरेशन हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कितने आपके मार्क्स बन रहे वो भी आपने मुझे बताने कि हाँ जी इतने क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं और अगर आप कोई और भी क्यूरी है रिगार्डिंग योर एग्जाम और तो इन दैट केस यू कैन अगेन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हाँ जी आप एवरेज के लिए प्रिपेयर किन कैसे करें बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका फाइव के फाइव क्वेश्चन करेक्ट होंगे और उनको जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है प्रैक्टिस क्वेश्चन अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हो अगर आपके पास कोई बुक है इन दैट केस फॉलो दैट बुक और उससे जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर लो बट प्रैक्टिस कैसे करनी है आंसर नहीं देखना पहले सोल्यूशन नहीं देखना खुद से पहले उसको सॉल्व करना है ठीक है हाँ जी अगर आपको लगता कि नहीं अभी कंसेप्ट में भी प्रॉब्लम है मेरी ठीक है और जो क्वेश्चन की भी मैंने प्रैक्टिस करनी है तो लाइक क्विज में प्रैक्टिस कर लो तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो आप अभीपीडिया के माइक्रो वर्सेज पे जा सकते हो अब जैसे यहीं पे है ये है आपके पास में माइक्रोवर्स है अभी का एवरेज का जैसे एवरेज अगर मुझे प्रिपेयर करना तो एवरेज कैसे प्रिपेयर करें ओके नाउ द थिंग इज कि हाँ यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है चलो कोई नहीं 180 बट ऐसा नहीं कि आपको 180 ही पे करना है सिंपल आप क्या कर सकते हो नीचे देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या आ रहा है आपको फोर क्लास लेक्चर्स मिल रहे हैं फोर क्लास लेक्चर्स है अभी जो फोर क्लास लेक्चर है अगेन इट डिपेंड्स अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रही हैं इन दैट केस क्लास लेक्चर आप ले लीजिए और हर एक क्लास लेक्चर के साथ में टेस्ट भी अटैच मिलेगा आपको हर एक क्लास लेक्चर के साथ में आपको टेस्ट भी अटैच मिलेगा डन दूसरा जो पॉइंट है कि अगर आपको वेब नोट्स चाहिए देन यू कैन टेक द वेब नोट्स ओनली दिस इज ओनली इलेवन रुपीज आई थिंक कोई ऐसी अमाउंट नहीं है कि आपको ये लगे कि हाँ जस्ट यहाँ पे सेलिंग हो रही है नो वट आई एम से कैसे आपने स्टेप बाई स्टेप प्रिपेयर करना है नाउ एनालाइज योर सेल्फ कि हाँ मुझे क्या चाहिए कितना मेरा तैयार है बिकॉज uh, हर स्टूडेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है हर एक का माइंड अलग अलग है हर अलग अलग तरीके से प्रिपेयर कर रहा है हर एक का बैकग्राउंड अलग अलग है ठीक है सो फर्स्ट एनालाइज योर सेल एंड देन गो फर्दर अब यहां पे क्या है अब जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि नहीं मुझे जस्ट वीडियो लेक्चर्स में कर लूँ, ठीक है तो आप क्या कर सकते हो इन दोनों को रिमूव कर दीजिए यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने सो इट विल बी कस्टमाइज कि यहाँ से आपके पास में क्या आ गया यहाँ पे प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आपने रिमूव कर दिए ठीक है अब क्या आ गया दिस इज ओनली सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन तो कुछ भी नहीं होता ठीक है अब बात आती है कि हाँ जी आप कह रहे हो कि नहीं मेरे कंसेप्ट तो क्लियर है मुझे तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ठीक है तो प्रैक्टिस के लिए आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ओके okay किया मैंने इसको वीडियो लेक्चर्स को रिमूव कर दिया आई गेट ओनली द क्वेश्चन अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन भी आपको कैसे मिलेंगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्विज़ की फॉर्म के अंदर मीन्स कि एक टेस्ट की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि आप नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाँ आपको कितने कितने का टेस्ट चाहिए जैसे आप कहते थे मैंने 25 फाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सो मेक इट टेस्ट ऑफ 25 फाइव ओनली जस्ट वहाँ पर आप ट्वेंटी फाइव मैंशन करोगे एंड ए टेस्ट विल बी प्रिपेयर ऑफ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ओके और टेस्ट लॉग में जाने के बाद में आप उसकी डिटेल सोल्यूशन भी चेक कर सकते हो आफ्टर टेस्ट प्रॉपर रिव्यू आपको मिलेगा टेस्ट का ठीक है तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर कोई भी क्यूरी है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन देन बट प्रिपेयर इन ए प्रॉपर मैनर कि आपकी तैयारी हो जाए तरीके से क्लियर सो नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के बाद अभी क्या करेंगे हम एवरेज डन सो नेक्स्ट थिंग इज कि अगर और जो कोई टॉपिक है तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया है लिंक प्रोवाइड किया जाइए दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे तो वहां से आप ले सकते हो ठीक है अगर यहाँ पे नंबर सिस्टम किसी का प्रिपेयर नहीं है या कोई और भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन टेक अदर माइक्रो कोर्सिस ऑल्सो ओके यस सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे आज की क्लास के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ में हाँ और जो आपके डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे ओके okay? और जुड़े रहिए सो दैट कि हर स्टेप पे आपको गाइड करते रहे हम ओके okay? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में